देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताया जाता है, हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए आज से लेके जब से फिर स्टार्ट हुई है अप्रैल तक, हमने मास चाहे ट्रक है चाहे कार है चाहे कुछ भी है, हमने कहा जी मास एम है, हमने कभी शेप पे ध्यान ही नहीं दिया जबकि ऐसा प्रैक्टिकल है ही नहीं। अगर ये पेन की बात करता हूँ, पेन के ऊपर मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन गाड़ी अगर लेंगे एक कार या ट्रक लेंगे वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसमें भी वॉल्यूम है पर छोटा वॉल्यूम है, उसमें बड़ा वॉल्यूम है और कहीं ना कहीं शेप भी मैटर करती है। तो मास अभी तक हमने पॉइंट मास के साथ काम किया, हमने शेप ली नहीं, हमने कहा कि सारा मास एक पॉइंट के ऊपर ही पड़ा हुआ है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकली तीन किस्म से मास डिस्ट्रीब्यूशन ली जाती है, हमारी फिजिक्स में तीन किस्म से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला लेंथ वाइज, तो आप पहले एक डायग्राम बनाएं, मान लें एक रॉड है, तो पहली डिस्ट्रीब्यूशन है लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और लास्ट है वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो, ये कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये लो, इस एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल लेता हूँ, ये देखो। जब मैं ये बोलता हूँ कि मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इमेजिन करो एक रॉड है, एक थिन रॉड, बुक्स में लिखा होता है थिन रॉड। थिन रॉड का मतलब होता है एक पतली रॉड जिसकी जो मोटी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी मोटी बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो सिलेंड्रिकल रॉड हो जाएगी, और अगर रॉड थोड़ी सी मोटी हो गई तो फिर उसका वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो फिर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अबाउट इट्स वॉल्यूम। पर मैं बात कर रहा हूँ लेंथ वाइज, मतलब ये रॉड इतनी पतली है, इतनी पतली है, इसकी मोटाई है ही नहीं, सिर्फ लंबाई ही लंबाई है, तो ये एज्यूम करना है। तो ऐसे केस में अगर रॉड का मास एम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बराबर मास है, तो ऐसे केस में हम मास अपॉन लेंथ की रेशियो को लिखते हैं लैम्डा। लैम्डा इसे बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लिखें लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा का मतलब लीनियर मास डेंसिटी। तो जिन क्वेश्चन में मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसमें लैम्डा वर्ड यूज किया जाएगा, डेंसिटी यूज की जाएगी लैम्डा, दैट इज मास अपॉन लेंथ, ठीक है। लेकिन जिन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, थिन रॉड, थिन रॉड में मास इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड। दूसरा एग्जाम्पल है एक रिंग, रिंग जितने क्वेश्चन रिंग के आएंगे, रिंग के ऊपर मास भी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ, ऐसे। तो जैसे लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या होगी, एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो डेंसिटी क्या बनेगी इसकी, टोटल मास और कितनी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल मास इसका एम है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड, और लेंथ कितनी है इसकी 2 पाई आर। तो इस रेशियो को, डेंसिटी को क्या नाम देते हैं, लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा एग्जाम्पल है शीट, तो जैसे ये एक डिस्क है, डिस्क शीट की फॉर्म में है, जैसे एक स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट, तो स्क्वायर शीट जो शीट होती है उसकी थिकनेस नहीं लेनी, बस एरिया वाइज लेना है, तो इसमें मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया ओनली, तो मास यहाँ 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 हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी एरिया, ऐसे मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया ऐसे। तो इस केस में हम यूज करते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब है मास डिवाइडेड बाय एरिया, और सिग्मा को बोलते हैं सरफेस, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, ये लो वो लीनियर मास डेंसिटी है, ये सरफेस मास डेंसिटी है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, मास अपॉन एरिया, कितना मास है कितने एरिया को भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दो, तीसरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड स्फेयर का। अब जो सॉलिड स्फेयर होता है वो अंदर से भरा हुआ है, देखने में फोटो देखने में ये और ये सेम लगते हैं, पर मैंने क्या लिखा है इसमें, ये डिस्क है और ये शीट है, और ये क्या लिखा, सॉलिड स्फेयर है, इसके अंदर भी
वॉल्यूम के अंदर भी मास है, तो इसमें क्या यूज करेंगे टर्म रो, रो का मतलब है मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, और इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। आप छोटी क्लास से लेके आज तक यही स्टडी करते आए हो, मैं जब जब पूछता रहा डेंसिटी क्या होती है आपने बोला मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि प्रैक्टिकली हर चीज़ का क्या निकलेगा वॉल्यूम, तो प्रैक्टिकली तो यही सही है। बट हाँ हमारे क्वेश्चन में कई बार सिर्फ लेंथ वाइज लेते हैं और कभी कभी एरिया वाइज लेते हैं, तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो फिगर क्या देगा। अगर तो शीट देगा तो सिग्मा यूज़ करेंगे, अगर वो लेंथ वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन देगा तो लैम्डा यूज़ करेंगे, और अगर वॉल्यूम वाइज देगा तो रो यूज़ करेंगे। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो तीन किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इसको यूज़ कैसे करना है इसको देखते हैं।